हाँ, ये रेगुलर रहेगी और ऑनरेबल हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है कि इसमें रेगुलरली सुपरविज़न किया जाए। और दूसरा एक रीज़न ये भी है कि जैसे एम्बुलेंस उस दिन फंसी थी, इतनी सारी आबादी इस रोड पे रहती है, दुकानदार भी है, हार्ट अटैक किसी को भी आ रही, और एम्बुलेंस अगर 2 मिनट भी लेट होती है तो वो बहुत मैटर करता है, ख़ास तौर से क्रिटिकल इलनेस के केस में। तो मेरा अनुरोध है सभी दुकानदारों से भी कि जैसा हमने कहा है कि जहाँ तक आपका शटर आता है, शटर और जो नाली है उससे पीछे आप अपना जो भी डिस्प्ले करना है प्रोडक्ट आप करें, उसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो स्टैंड आपने बना रखे हैं और स्टैंड के ऊपर आप बाहर सामान रख लेते हैं, ये बिल्कुल गैरकानूनी है, ऐसा अलाउ नहीं होगा। और फिर से कोई इस तरह की वारदात ना हो जाए और कोई मरीज़ जो है अपनी जान इसलिए ना गंवा बैठे कि आपकी दुकानदारी की वजह से उसकी एम्बुलेंस ही आगे क्रॉस नहीं कर पाई। तो मेरा सभी दुकानदारों से अनुरोध रहेगा कि हमें हर रोज़ जो है मजबूर ना करें, यहाँ हम आते रहे, हमारे ऑफिस में लोग आए हुए हैं और वहाँ कोई अटेंड नहीं कर पा रहा है, हमें यहाँ पे हर रोज़ यहाँ आना पड़ रहा है। तो आप लोगों से सहयोग की आशा रहेगी कि आप खुद ही जो हमने पहले ही बताया कि जहाँ तक शटर है आपका वहाँ आप डिस्प्ले करें सामान, उससे बाहर किसी भी प्रकार का सामान जो है नहीं माना जाएगा। कार्रवाई तो वैसे रेगुलरली चली रहती है, जिस दिन एम्बुलेंस रुकी थी उससे पहले भी हमारे एक जो ब्रांच है वो इसी को डील करती है। और अगर कोई रिपीटेडली, हमने एक अलग से रजिस्टर लगाया है, और कोई डिफ़ॉल्टर अगर रिपीटेडली पकड़ा जाता है जो बार बार हमारे सामान उठाने के बावजूद भी नहीं मानता है, तो उसके खिलाफ फिर दूसरे सख्त कार्रवाई की जा सकती है। बिजली का डिस्कनेक्शन हो सकता है, पानी का डिस्कनेक्शन का भी ऑप्शन खुला है, और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि उसका बाई नेम जो है उनका हाईकोर्ट में ही नाम दे दें, और जैसा भी कोर्ट ऑर्डर करता है उस तरह से कार्रवाई।